हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस, इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है। तो एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर ये जो 5.2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेबस फॉर लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ने हैं, जिनकी कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशंस को आपको यहाँ पर लर्न करना है। तो थोड़े टाइम में मैं आपको ओवरऑल क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा प्रॉब्लम्स का। पहले आइए आपको मैं दिखा दूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एक मॉडल पेपर कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी है, और बाकी रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन होगा उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और उसी में से एक लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बिट्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन भी देखिए मैट्रिक्स से आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से, जो बेसिकली यहाँ पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, उसमें से किसी एक क्वेश्चन के किसी एक बिट में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से आएगा। ओके, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से आते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि पूरे चैप्टर्स में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, एक होमोजीनियस दूसरा नॉन होमोजीनियस। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दो टॉपिक्स हैं इसमें से किस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। क्लास ए में नॉन होमोजीनियस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन को मैं बताऊंगा, क्लास बी में हम होमोजीनियस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। या तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जो गिवन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा, और अगर है तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, टेस्टिंग कंसिस्टेंसी फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इफ पॉसिबल सॉल्व देम। थोड़े टाइम में मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स को दिखाऊंगा। तो देखिए कैटेगरी नंबर 2 में किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, आपको फाइंड करना होगा वैल्यूज ऑफ अननोन इन ऑर्डर टू डिसाइड कंसिस्टेंसी। यानी आपको एक सिस्टम दिया गया होगा नॉन होमोजीनियस, और उसमें कुछ अननोन्स होंगे, और आपको बोला जाएगा कि वो अननोन्स की वैल्यू क्या होगी ताकि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो। या तो आपको एक सिस्टम दिया गया होगा जिसमें कुछ अननोन्स होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अननोन्स की वैल्यू क्या होगी ताकि सॉल्यूशन यूनिक, इनफाइनाइट एंड या तो नॉन सॉल्यूशन का केस हो। तो आइए मैं आपको अब प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आप इस कैटेगरी को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ आपको मैं ये ईबुक प्रोवाइड करूंगा, जिस ईबुक में अगर आप यहाँ पर जाएंगे फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप थ्योरी वीडियोस पे जाएंगे सीधा यूट्यूब पे, जहाँ पे आप फ्री में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज है सब देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये पीपीटी में मैंने जो भी बताया है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने इस ईबुक में दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अभी हमने क्लास ए डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस सिस्टम हम देखेंगे इसमें। और पहली कैटेगरी में देखिए मैंने आपको बताया था कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हमें टेस्ट करना होगा कंसिस्टेंसी एंड इफ पॉसिबल हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे जिसमें कुछ इक्वेशन होंगे और आपको चेक करना होगा कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब इसे कैसे करेंगे थोड़े समय में हम देखेंगे। अब देखिए कैटेगरी नंबर 2 में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसमें हमें फाइंड करना होगा अननोन्स इन ऑर्डर टू डिसाइड कंसिस्टेंसी। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द इक्वेशंस दिस दिस एंड दिस हैव अ सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कम्प्लीटली इन ईच केस। अब क्या बोला गया कि ये जो इक्वेशन है इनके पास सॉल्यूशन कब हो, किस लैम्बडा की वैल्यू के लिए इनके पास सॉल्यूशन होगा। यानी इनडायरेक्टली आप बताइए कि कौन सी ऐसी लैम्बडा की वैल्यू होगी जिसके लिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होना एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना दोनों एक ही बात होता है। तो ये कैटेगरी 2 के प्रॉब्लम्स है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। अब जो कैटेगरी 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही इसमें से कोई क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो कैटेगरी 3 देखिए क्या है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर गिवन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिए गए होंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और कुछ अननोन्स इक्वेशंस में होंगे। जैसे यहाँ पे लैम्बडा और म्यू है, और आपको बोला जाएगा कि ये लैम्बडा और म्यू की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये 3 केसेस सेटिस्फाई होंगे। मतलब आपको इंडिविजुअल केस के लिए अलग अलग लैम्बडा एंड म्यू निकालना होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में
किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो फ्रेंड्स यही तीन टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है, इसको छोड़ के कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर आप इस ईबुक से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास बी में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्लास बी है उसमें सिर्फ दो कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो प्रॉब्लम होगा कि आपको जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होगा उसे सॉल्व करना होगा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, यानी आप जो गिवन होमोजीनियस सिस्टम है उसे सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल, ओके। और या तो आपको होमोजीनियस सिस्टम दिया गया होगा और अननोन्स की वैल्यू पूछी जाएगी कि ऐसा अननोन का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। तो आइए पहले मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा दूं ताकि आप समझ जाए कि ये मैं क्या कह रहा हूं। सो देखिए, क्लास ए के बाद ईबुक में अगर आप क्लास बी की तरफ जाएंगे तो क्लास बी क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए कैटेगरी वन में क्या पूछा गया है, सॉल्विंग होमोजीनियस सिस्टम फॉर ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, यानी यहाँ पे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने और चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी एक्स वाई जेड तीनों जीरो होगा, नॉन ट्रिवियल यानी एक्स वाई जेड के आंसर क्या आएंगे टी के टर्म्स में, टी वन के टर्म्स में। अगर आपने इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं किए तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस ई बुक में थ्योरी के वीडियोज दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप समझ जाएंगे इसे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब ये जो कैटेगरी टू है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी एग्जाम में आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पजेसेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी ऐसी लैम्बडा की वैल्यू बताइए जिसके लिए किस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल यानी नॉन जीरो। एक चीज याद रखना, चाहे मैं यहाँ पर नॉन ट्रिवियल कहूँ या मैं कहूँ नॉन जीरो, दोनों एक ही चीज है, ओके। तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे, या तो आपको लैम्बडा की वैल्यू पूछी जाएगी या तो आपको ऐसा सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें किस कंसेप्ट का यूज करेंगे ये मैं आपको अब दिखाता हूँ, ठीक। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ जिसमें इस चैप्टर में लगने वाले सारे कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं। तो देखिएगा, अब इसके पहले, ये फ्लो चार्ट को समझाने के पहले, यहाँ पर मैं कुछ इक्वेशन कंसिडर करूंगा। मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू, ठीक है। तो अगर इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह लिखूंगा, ए वन बी वन ए टू बी टू देन इन टू एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू सी वन सी टू। तो फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स है इसे मैं कैपिटल ए कहूंगा, इस वेरिएबल मैट्रिक्स को मैं कैपिटल एक्स कहूंगा और एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को मैं कैपिटल बी कहूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी, ये बेसिकली इसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है। तो फ्रेंड्स अगर बी जीरो हो जाए, यानी सी वन सी टू का वैल्यू जीरो हो जाए, तब ये होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। अगर सी वन सी टू दोनों एक साथ जीरो नहीं होते तब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, यानी बी जो है वो कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, सो इस केस में दो टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो कंसिस्टेंट होगा सिस्टम या तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, बेसिकली आप ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखा है तो इसे आप एशलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एक बार जब इसे एशलन फॉर्म में आप रिड्यूस कर लेंगे तब आपको चेक करना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक क्या इक्वल है मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेशन बी से, ठीक है। अभी ए ऑगमेंटेशन बी क्या होता है, इसके लिए आप ई बुक में जो थ्योरी वीडियो दिया गया है उसकी वीडियो को देखिए, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है एनिमेशन फॉर्म में। फ्रेंड्स ए ऑगमेंटेशन बी क्या होता है, बेसिकली ए एंड बी को हम कंबाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एशलन फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन चेक करना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी के कि नहीं। अगर नहीं है तो सिस्टम रहेगा इनकंसिस्टेंट और उसी को हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और उसमें दो केसेस आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक केस है यूनिक सॉल्यूशन का, दूसरा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और दोनों में जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेम है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी के, और यहाँ पर भी रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी के। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए, और कंसिस्टेंट सिस्टम में दो टाइप का सॉल्यूशन होता है यूनिक एंड इनफाइनाइट। तो एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फिर आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स एंड वाई टू, तो आपको देखना है कि रैंक ऑफ ए जो है उसका आंसर और नंबर ऑफ जो अननोन्स है उसका जो वैल्यू है दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी जितने अननोन्स हैं आपके पास उतने यूनिक। देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर रैंक आंसर थ्री आता है, ठीक है,
और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है। रैंक क्या बताता है, कितने इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है और 3 आपके पास अननोन्स है, तो 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, 3 अननोन्स आराम से सॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता है कंसेप्ट आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 2 अननोन्स है और 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन डिस्टिंक्ट है, तो मैं एक्स एंड वाई की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स आपको एक बार पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में ये चेक करना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी के। अगर है तो दो टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर आपको ये चेक करना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के, अगर है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर रैंक ऑफ ए लेस है नंबर ऑफ अननोन्स से, यानी आपके पास इक्वेशंस कम है और अननोन्स ज्यादा है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जरा अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम की। तो जरा सोचिए आप, अगर बी जो है वो पूरी तरह जीरो हो जाए, फिर ए ऑगमेंटेशन बी की बात आएगी नहीं, ठीक है। तब अगर मेरे पास फ्रेंड्स कोई भी सिस्टम होमोजीनियस है, यानी दोनों के दोनों ये जीरो है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो जो भी इक्वेशंस होंगे उन्हें हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी नो सॉल्यूशन का केस कभी भी होमोजीनियस सिस्टम में नहीं आता है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन, यानी सारे वेरिएबल्स को आप जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वो उस सिस्टम को हमेशा सेटिस्फाई करता है, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको अगर जीरो पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड जीरो सेटिस्फाई होगा ना, तो इसलिए होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम्स आर ऑलवेज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूनिक और इनफाइनाइट लिख रहे हैं ना, इसी को यहाँ पे ट्रीवियल एंड नॉन ट्रीवियल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीवियल का मतलब क्या होता है कि एक्स जीरो वाई जीरो ही सिर्फ इसका सोल्यूशन है, ट्रीवियल का मतलब होता है जीरो सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक्स जीरो और वाई जीरो और जितने भी यहाँ पे मान लीजिए एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, मैंने तो सिर्फ एक्स एंड वाई लिया है, अगर सारा का सारा वेरिएबल इक्वल्स टू जीरो वो एग्जिस्ट करता है होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए, यानी कोई दूसरा एक्स एंड वाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए अगर मेरे पास है एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड दूसरा इक्वेशन है 2x-2y इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब जरा ये दोनों इक्वेशन को देखिए, अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो ये दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके बाद अगर आप एक्स इक्वल टू टी एंड वाई इक्वल टू टी ये भी दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स इक्वल टू टी एंड वाई इक्वल टू टी भी इसका सोल्यूशन है एंड एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी इसका सोल्यूशन है, इसलिए जीरो को छोड़ के एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम नॉन ट्रिवियल कहेंगे। पर जरा एक और एग्जाम्पल देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड देता हूँ मैं एक्स 2x+y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों सिस्टम को आप सॉल्व कीजिए, आपको सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो यही सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ सॉल्यूशन ट्रिवियल है, दूसरा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी कि वेरिएबल का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जीरो है, मुझे लग रहा है आप समझ गए। फिर फ्रेंड्स आप पता कैसे करेंगे कि ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप मैट्रिक्स फॉर्म में है आप ऐसे लिखेंगे उसको, पहले आप एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर आपको चेक करना है कि रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो केस देख रहे हैं यूनिक का, तो यूनिक वाला केस ही यहाँ पे ट्रिवियल हो चुका है, यूनिक में रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स होता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये ऑगमेंटेशन की कोई बात आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि बी तो जीरो है ना, तो ये पहला कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, यानी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी होमोजीनियस सिस्टम में हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपको देखना है रैंक ऑफ ए क्या इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स से, अगर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना, और कौन सा सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन, उसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, ट्रिवियल। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो इन्फाइनाइट वाला केस था उसी को यहाँ पे कहते हैं नॉन ट्रिवियल, जिसमें कंडीशन क्या है, रैंक लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से, और यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, मतलब आप इतना समझ लीजिए जो यूनिक सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस में उसे ट्रिवियल कहा जाता है होमोजीनियस में, जो इन्फाइनाइट होता है नॉन होमोजीनियस में उसे नॉन ट्रिवियल कहा जाता है होमोजीनियस में, कंडीशन सेम होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये पूरा चार्ट समझ गया, तो ये चार्ट्स आपको ईबुक में मिल जाएगा, तो इसके बाद आप ईबुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ भी डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद आप गारंटीड इस चैप्टर में 6 मार्क्स पा सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे क्रैश कोर्स का, थैंक यू सो मच।